Good morning, student. This is our new genetic class in which today we will study about the last topic of subject genetics. क्योंकि लगभग जो आपका कोर्स है वो मैंने पूरा करवा दिया है. लास्ट टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रह गया है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बहुत इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक टाइम था जब सिर्फ इसी पे ही क्वेश्चन आया करता था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए. इजी भी है, अगर आप समझें इसको तो काफ़ी इजी आपको जो है ये टॉपिक लगेगा. तो अपने आज की क्लास का टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी HGP. 1984 के अंदर जो है इसके बारे में सोचा गया था कि हम इस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे. और ऑफिशियली जो है अक्टूबर 1990 में इसको शुरू किया गया था. ये एक बहुत ही बड़ा मल्टी सेंट्रिक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव वेंचर का प्रोजेक्ट था. कोलैबोरेटिव वेंचर क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे देश जो है वो इन्वॉल्व थे. 6 कंट्रीज़ इसके साथ जुड़ी हुई थी. तो ये कोलैबोरेटिव वेंचर था जिसका मेन एम था कि हम पूरे ह्यूमन न्यूक्लियर जीनोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पता लगा सकें. ये इस प्रोजेक्ट का एम था, टू डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द एंटायर ह्यूमन न्यूक्लियर जीनोम. जो ह्यूमन के न्यूक्लियस में जो जीनोम है उस पूरे जीनोम के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पता लगाना ही इस प्रोजेक्ट का एम था. 1997 यूनाइटेड स्टेट के अंदर नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट NHGRI एस्टैब्लिश्ड हुआ था. फिर इसके अंदर मैंने कहा 6 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान और चाइना. 11 लेबोरेटरीज़ थे, बहुत सारे साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस अलग अलग डिसिप्लिनस के जो हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स वगैरह सब इसके अंदर इसके साथ में जुड़े हुए थे ताकि इस प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छा किया जा सके. और स्टार्टिंग में ऐसा माना गया था, मेरे क्रिटिक्स ने कहा कि इतना महंगा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत पैसा लग रहा है और इसमें बहुत टाइम लगेगा और इसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं निकलेगा. तो इन्होंने जब इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था तो 15 ईयर्स का ये टाइम ड्यूरेशन लेकर के चले थे कि हमें 15 साल इस टॉपिक पर रिसर्च करनी है. और अगर रिज़ल्ट जैसा हम सोच रहे हैं वैसे आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम जो है 15 साल के बाद इसको बंद कर देंगे. क्योंकि पैसा और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो. ऐसा इन्होंने टारगेट ये लेकर के चले थे. तो ये कोलैबोरेटिव वेंचर था जिसका नाम दिया गया था इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस कंसोर्टियम IHGSC. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो अर्ली हिस्ट्री थी प्रोजेक्ट की उसको इसमें इंक्लूड किया गया था. और उसके बेसिस पर इन्होंने सोचा था हम आगे की रिसर्च करेंगे. अर्ली हिस्ट्री क्या कह रही थी और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहले DNA एक्सट्रैक्ट निकाला सेल में से, जो भी जिन्होंने भी अपने डोनर जो थे, जिन्होंने अपनी सेल्स डोनेट करी थी, बहुत सारे एनोनिमस डोनर इनके साथ में जुड़े थे, उन्होंने अपनी सेल डोनेट करी. उस सेल में से DNA एक्सट्रैक्शन पूल करके एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया था और उसके पूरे सीक्वेंस को उन्होंने पहले ऑब्टेन किया ताकि DNA के सीक्वेंस का, हर एक क्रोमोसोम में जो DNA है उसके सीक्वेंस का पता लगाया जा सके. तो एनोनिमस डोनर के साथ जुड़े थे बहुत सारे, उन्होंने अपनी सेल्स डोनेट करी, उन सेल से इन्होंने DNA को एक्सट्रैक्ट किया और उसके पूरे सीक्वेंस को इन्होंने प्राप्त करा. फिर उससे एक जेनेटिक मैप बनाया ताकि जेनेटिक लिंकेज स्टडी जो है वो आसान हो सके, की जा सके. तो उन्होंने जेनेटिक मैप बनाया, सारे ह्यूमन जीन्स को इन्होंने डिस्कवर किया ताकि ह्यूमन जेनेटिक डिजीज़ के आगे स्टडी की जा सके. सिंप्लीफाइड और ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी उस समय डेवलप हो गई थी, DNA सीक्वेंसिंग प्रोसेस जैसे, तो उसकी इन्होंने हेल्प ली. तो ये जो लास्ट फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, मैंने आपको बोला था कि HGP का इन्होंने टारगेट लेकर के चले थे कि हम 15 साल इसके ऊपर वर्क करेंगे. पर जब इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था, मीनवाइल ये
ऑटोमेटेड डीएनए ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी जो है डेवलप हो गई थी, जिसकी वजह से इनका काम जो है काफ़ी आसान हो गया था। पहले ये नहीं थी टेक्निक, ये उस प्रोजेक्ट के दौरान ही डेवलप हुई थी, तो इससे इनका काम काफ़ी आसान हो गया था। और जो वर्क इन्होंने 15 साल का टारगेट ये लेकर के चले थे, वो 10 साल में कम्प्लीट हो गया था इस टेक्नोलॉजी की बदौलत। ठीक है, तो इन्होंने इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इन्होंने मेन ऑब्जेक्टिव जो सेट आउट किए थे, उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स देखिए, सबसे पहला था कि डीएनए का इन्होंने कंप्लीट सीक्वेंस पता किया, दूसरा जेनेटिक मैप बनाया, तीसरा सभी जीन्स ह्यूमन जीन्स जो हैं डिस्कवर करके उसमें, इसलिए उसकी फर्दर स्टडी ताकि वो कर सके, डिस्कवर किए ताकि ह्यूमन जेनेटिक डिजीज़ की फर्दर स्टडी कर सके। और उस समय पर इन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक जो टेक्नोलॉजी थी इन्होंने डेवलप कर ली थी अपने वर्क को आसान बनाने के लिए। अब फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो रिजल्ट्स थे, उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इनके अचीवमेंट जो है वो फिर इन्होंने मीडिया, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, अलग अलग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपने वर्क को जो है वो इन्होंने रेवल किया था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया मीडिया के सामने कि लाइफ जो अनरेफर्ड लाइफ है, जो अभी तक लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, उसकी मिस्ट्री इन्होंने उनके सामने रखी, लाइफ की लाइब्रेरी इन्होंने बताई, लाइफ की पीरियोडिक टेबल बताई, ह्यूमन जेनेटिक्स के होली ग्रेल के बारे में इन्होंने बताया, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन्होंने कहा कि ह्यूमन जीनोम के अंदर 33,000 से लेकर 40,000 तक ह्यूमन जीन्स होते हैं। पहले तो वो चार इन्होंने चीज़ें बताई, इनका मेन डिस्क्रिप्शन ये था कि लाइफ की अनरिवल्ड मिस्ट्री बताई, लाइफ की लाइब्रेरी, लाइफ की पीरियोडिक टेबल और ह्यूमन जेनेटिक्स की होली ग्रेल। अब इनके रिजल्ट्स सुनिए क्या थे। तो पहला रिजल्ट इन्होंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने होते हैं ह्यूमन जीनोम में, 33,000 से 44,000 होते हैं। जबकि इस HGB से पहले ये माना जाता था कि लगभग 1.5 लाख से 2 लाख जीन्स जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, तो इन्होंने उस थ्योरी को गलत साबित करके बताया कि 33,000 से 44,000 तक ही जीन्स जो हैं ह्यूमन में होते हैं। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 75% जो जीन्स होते हैं उनका DNA सीक्वेंस लगभग सभी इंडिविजुअल्स में सेम होता है, सिवाय अगर कोई रेयरली म्यूटेशन किसी में हो गया हो तो वो जीन्स अलग हो जाएंगे, अदरवाइज सेम होते हैं। सेम होने होते हैं का मतलब ना तो कोई सुपीरियर रेस है और ना कोई इन्फीरियर रेस है। जैसा कि पहले माना जाता था जो अंग्रेज़ गोरे होते हैं वो कहते थे कि हम सुपीरियर हैं, ब्लैक इंडियंस हमसे इन्फीरियर हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई भी दो ह्यूमन जीनोम जो है अप्रॉक्सीमेटली 99.9% आइडेंटिकल होते हैं सीक्वेंस में। तो एक्चुअली इस पॉइंट से इन्होंने उस रेस वाली बात बताई थी, अपेरेंटली इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस तो जो है केवल 0.1% ही होता है और वही हाईली सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखाता है पर्सनैलिटी पर, बिहेवियर पर, इंटेलिजेंस, डिसीज़, ससेप्टेबिलिटी और दूसरे ट्रेड्स, करैक्टर, ट्रेड्स मतलब करैक्टर्स, इन सब के लिए जो 0.1% ही डिफरेंस होता है। अदरवाइज 99.9% सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो सुपीरियर इन्फीरियर कुछ नहीं है, हम बेस्ट हैं, दूसरे हमारे आगे कमतर हैं, इस तरह से कुछ भी कोई चीज़ नहीं होती, सब सेम है। ये बात इन्होंने HGP से बताई। अब HGP के गोल क्या थे भाई, तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था कम्प्लीट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस और फिर इसको सबके लिए फ्रीली एक्सेसिबल कर दिया। फिर इन्होंने, इनका गोल था भाई, इन्होंने क्या किया था भाई, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस कंप्लीट, हमें ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस ले सके, ये गोल लेकर ही चले थे। इन्होंने सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव किया था क्योंकि नई और ज़्यादा इफेक्टिव मेथड्स आ गए थे, जो हमने कहा DNA ऑटोमेटेड सीक्वेंस वगैरह तो वो आ गए थे, तो ये गोल था। फिर इन्होंने ह्यूमन जीनोम के अंदर वेरिएशंस क्या हैं उनके सीक्वेंस को एनालाइज किया, जैसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जिसको SNPs कहते हैं, या दूसरे DNA सीक्वेंस वेरिएशंस क्या हैं वो सब पता करना इनका गोल था। इन्होंने फंक्शनल जीनोमिक्स के लिए भी टेक्नोलॉजी डेवलप करना इनका एम, ये गोल लेकर के चले थे कि हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे ताकि फंक्शनल जीनोमिक्स की भी हम स्टडी कर सके। फंक्शनल जीनोमिक्स में क्या आता है भाई, एडिशनल cDNA रिसोर्सेज डेवलप करना, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना ताकि हम जीन एक्सप्रेशन को डिटेल में एनालाइज कर सकें, नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस के फंक्शंस की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को एनकरेज करना पूरे
दुनिया के अंदर प्रोटीन एनालिसिस के लिए टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को एनकरेज करना, ये सब फंक्शनल जीनोमिक्स के अंदर आता है। फंक्शनल जीनोमिक्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि डीएनए की मेन स्टडी कर ली वो तो जीनोमिक्स है ही, फिर उस डीएनए की स्टडी किस लिए कर भाई, प्रोटीन वगैरह के बारे में पता करने के लिए, नॉन प्रोटीन वगैरह के बारे में पता करने के लिए, तो फंक्शनल जीनोमिक्स होती है। इसके अलावा इनका गोल था कि वो कंपैरेटिव जीनोमिक्स की स्टडी जो है वो करें, कुछ मॉडल ऑर्गेनिजम्स के जीनोम सीक्वेंस को कंप्लीट करके, जैसे माउस वगैरह के अच्छे से कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस लेकर के अपन कंपैरेटिव जीनोमिक्स के भी स्टडी कर सके, ऐसा इनका एम था, ताकि हमें ह्यूमन जीनोम को समझने में ज़्यादा आसानी हो, ज़्यादा गहरे से हम उन सब चीज़ों को सीख सकें। फिर इन्होंने एथिकल, लीगल और सोशल इम्प्लिकेशंस को भी कंसीडर किया, जो कि आपके implications of the vastly expanding knowledge base, ताकि आपकी जो knowledge का base है वो ज़्यादा अच्छे से फैल सके, ज़्यादा व्यापक बन सके, तो ethical, legal और social implications को भी इन्होंने ध्यान रखा। ऐसा नहीं है कि हम अपने ethics भूल जाएं, illegally हम study करने लग जाएं, ये भी इन्होंने नहीं किया था। It is anticipated that clash of this new and advanced knowledge with the pre-existing ethical and philosophical perspectives may result in undesirable consequences. क्योंकि भाई ऐसा हो जाता है ना कि जो पुरानी मान्यताएं चलती आ रही है और हम अगर कोई नई चीज़ खोज लेते हैं तो लोग कहते हैं नहीं ये गलत है, हम तो हमारी ही परंपराओं को मानेंगे, हमारे जैसा हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, हम वही चीज़ मानेंगे, और इससे क्या होता है, चीज़ें क्लैश कर जाती हैं और फिर हम जो नहीं चाह रहे होते इस वैसे कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप हो जाते हैं, तो वो ये सब चीज़ें भी नहीं चाह रहे थे। उसका भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा, पूरा ख्याल रखा कि ऐसी कोई चीज़ ना हो, किसी की भावनाएँ हर्ट ना हो। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेवलप किया इन्होंने, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी डेवलप हुई, जो कि एडवांस ट्रेनिंग उसके लिए फिर यंग साइंटिस्ट को भी एडवांस ट्रेनिंग दी गई थी, और एक जीनोमिक रिसर्च में एकेडमिक करियर इस्टेब्लिश हो सके उसको, उसके लिए भी इन्होंने युवाओं को एनकरेज किया कि भाई आप आइए जीनोमिक रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट लीजिए। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मेडिकल इम्प्लिकेशंस क्या हैं भाई, हमें तो मेडिकल इम्प्लिकेशन से मतलब है कि क्या फ़ायदा हुआ इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो भाई मेडिकल इम्प्लिकेशंस क्या है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ह्यूज अमाउंट है वो इन्होंने HGP से प्राप्त किया, और वो बहुत ट्रिमेंडस टाइप का था, बहुत बढ़िया था, तो हमारी नॉलेज बहुत इम्प्रूव हुई ह्यूमंस को लेकर के। और ये ह्यूमन डिजीज़ जीन्स जो थे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इन्होंने रिसोर्सेज हमें अवेलेबल करवाए, जैसे ऑन्कोजेनिक सीक्वेंस है वो चेंज हो जाते हैं कैंसर सेल के अंदर, तो ये इन्होंने बताया, उसको अपन कंपेयरिंग कैंसर जीनोम सीक्वेंस के को आइडेंटिफाई के द्वारा अपन डायरेक्टली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कौन से वो जीन्स है, किसके अंदर चेंजेस आ गए, क्या हुआ था। ये हम जो ड्राफ्ट जीनोम थे उसके अगेंस्ट में जो कैंसर जीनोम है उसको कंपेयर करके इन्होंने डायरेक्टली आइडेंटिफाई भी कर लिया, तो ये भी हमारे को फ़ायदा मिला इस प्रोजेक्ट से। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, जिससे कि यूज़फुल जीन्स जो है वो डेवलप हुए थे, और उन्होंने वो यूज़फुल जीन्स डेवलप होने से वुड एक्सपैंड द स्कोप ऑफ जीन थेरेपी। भाई हमें बायोटेक्नोलॉजी से ही तो जीन थेरेपी का स्कोप हमें पता चला कि हम जो है ये बायोटेक्नोलॉजी में तो आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम सीखते हैं कि हम किसी और डीएनए के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर हमारा डिजायरेबल जीन इंसर्ट करवा सकते हैं। जीन थेरेपी मैंने आपको पढ़ाया ना, तो जीन थेरेपी में यही चीज़ें थी जिससे कि हमारे को डिजीज़ को ठीक करने के और भी कई नए रास्ते हमारे लिए खुल गए थे। इसके अलावा नई फील्ड्स को भी इन्होंने इनिशिएट किया, जैसे फार्माकोजिनोमिक्स इसी की वजह से डेवलप हो पाया। फार्माकोजिनोमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपीज़ पढ़ते हैं कि भाई कोई पेशेंट है उसके जेनेटिक मैप के अकॉर्डिंग हम जो है इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपीज़ उसको प्रोवाइड करें, ऐसे जनरल थेरेपी ना दें, इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी, जिस पर्सन को जो थेरेपी चाहिए हम वही थेरेपी दें उसके जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंग। अब HGP के एप्लीकेशंस क्या हैं, ह्यूमन जीन्स और उनके फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना, दूसरा पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स अगर कोई हैं तो उनको समझना, जैसे कैंसर, कैंसर में कोई एक जीन का रोल नहीं होता, देर आर ग्रुप ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड इन दिस डिजीज़, तो कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जैसी चीज़ों को
जो कि पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स हैं उनको समझना, जीन थेरेपी को इम्प्रूव करना, डिसीज़ के डायग्नोसिस को इम्प्रूव करना, फार्माकोजेनेसिस को डेवलप करना, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के जेनेटिक बेसिस को पता करना, कॉम्प्लेक्स सोशल ट्रेट को समझना, म्यूटेशंस की नॉलेज इम्प्रूव हुई, डेवलपमेंटल बायोलॉजी को समझना हमारे ज़्यादा आसान हो गया था, डेवलपमेंटल बायोलॉजी कि भाई किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कोई बहुत इंटेलिजेंट हो गया या फिर कोई बहुत अच्छे से हेल्दी पर्सन है, कोई नहीं है, तो वो सब चीज़ें भी इससे अपन सीख गए थे। और बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी हुआ था क्योंकि जो हमने बायोटेक्नोलॉजी में थ्योरीज पढ़ी वो इसमें हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सके, ठीक है। और जो 8th पॉइंट बोल रहा है भाई, म्यूटेशन की नॉलेज हमारी ज़्यादा अच्छी हो गई कि भाई क्यों म्यूटेशन कैसे हो जाता है, क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, वो हमें समझ में आया। कॉम्प्लेक्स सोशल ट्रेट, भाई कोई काफ़ी से कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, कोई सोशल ट्रेट कुछ चलते आ रहे हैं तो उनको भी समझने में हमारे को काफ़ी आसानी मिली थी। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, कोई दिमागी कोई बीमारी है तो उसका कोई जेनेटिक बेस है या नहीं है, और है तो क्या है, वो भी समझने में हमारे को काफ़ी आसानी मिली। बस अब यही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है भाई, इसके साथ आपका ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पढ़िएगा आप इसको अच्छे से, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए आप। तो ऑलमोस्ट जो है आपकी जेनेटिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई टॉपिक रह गया हो जो मैंने नहीं पढ़ाया हो, आपको पता चले या आप पुराने पेपर्स देख लीजिए, कोई एग्ज़ाम के अंदर कोई क्वेश्चन आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स दूर कर दूँगी। अपने डाउट्स आप मेरे पास लेकर के आइए। और आपको मैं असाइनमेंट दे दूँ, अब आप असाइनमेंट करिए क्योंकि जेनेटिक्स कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आपको असाइनमेंट अपना डेवलप करना है कि आप सब स्टूडेंट्स का क्या काम है, जेनेटिक्स की एक कॉपी बना लीजिए अलग से, छोटी पतली कॉपी बना लीजिए, चाहे पैथोजेनेटिक्स के एक साथ बना लीजिए क्योंकि पैथो में मैं ये असाइनमेंट दूंगी आपको। तो आपको क्या करना है, जेनेटिक्स के पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उस कॉपी के अंदर अपनी ओन हैंड राइटिंग में लिखिए और लिख करके मेरे को दीजिए, फ़ोटो क्लिक करिए, अपने CR को व्हाट्सअप करिए, CR से मैं अपने आप कलेक्ट कर लूँगी। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है स्टूडेंट। और ये होमवर्क जो है आपका मुझे 31 अगस्त तक मिल जाना चाहिए, 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। उसी के बेसिस पर जो है मैं आपके जो मार्क्स जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के, आपके प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी के जो ऑर्डर हमें सुनने में आ रहे हैं, तो उसके अंदर आपके इस असाइनमेंट का रोल होगा। अपने 10 साल के पेपर उठाइए, होमवर्क करिए, अपने CR को व्हाट्सअप करिए, मुझ तक पहुंच जाएगा वो टॉपिक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।